के माध्यम से आर्थिक क्रांति का सूत्रधार हो, सबके हाथों में काम हो, इसके लिए मैं बैठा हूँ। और हमारी दो तीन मांगे मुख्य रूप से है, एक तो है कि प्राथमिक विद्यालय और से लेकर माध्यमिक विद्यालय को योग से जोड़ा जाए, योग की कक्षा नियमित रूप से शुरू किया जाए। दूसरा है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय को जोड़ा जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि खगड़िया स्टेशन से कुशेश्वर दरभंगा स्टेशन तक 44 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण करना था, जिसमें 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था 162 करोड़ रुपए की लागत के स्थान पर ये 700 करोड़ रुपया लग गया। इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और अभी तक रेल लाइन चालू भी नहीं हुआ है। इसके लिए हम जिला प्रशासन और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर CBI ED से जांच किया जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए, आगे बढ़ाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जी, पूर्णकालिक कार्यकर्ता खगड़िया। हम पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए हैं और योग आयुर्वेद और स्वदेशी के रास्ते सामाजिक के कार्यक्रम जुड़ी हो अपने जिले को अमृत और प्रफुल्ल है जिले को मतलब योग युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाह रहे हैं। और हमारी मुख्य मांगे हैं कि प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय को योग से पतंजलि योग से जोड़ा जाए, ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ और समृद्ध बने, स्वस्थ और विवेकशील बने, प्रतिभावानशाली हो और पूरे देश में नाम हो। मतलब पतंजलि का प्रचार कर रहे हैं क्या? नहीं, पतंजलि का प्रचार नहीं करते, बल्कि 14 साल से पतंजलि की सेवा, योग सेवा, स्वदेशी सेवा और ग्राम सेवा और राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, अपने जिले को उन्नत बनाने के लिए कर रहे हैं। क्या ये सेवा निःशुल्क है क्या? हाँ, ये सेवा निःशुल्क है, पतंजलि का योग सेवा निःशुल्क है। लेकिन और इसके लिए आपको धरना पे बैठने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसलिए कि हमने धरना पे इसलिए बैठा कि जिस ऑफिस में जाते हैं, कोई भी ऑफिशियल काम कराना चाहते हैं, वहाँ पे जिला मतलब बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। सब लोग रो रो के कहते हैं कि क्या व्यवस्था है, कभी बिना कोई पैसा से कोई काम ही नहीं होता। इसलिए हम भ्रष्टाचार मुक्त जिला बनाने के लिए बैठे हुए हैं।